दोस्तों आज हम बात करेंगे वास्तु फॉर स्लीप। इसमें टॉपिक है हमारा जो मेन स्लीपिंग के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है प्लेसमेंट ऑफ बेड, कमरे में बेड की प्लेसमेंट। आज इसी बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों स्लीप एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है लाइफ में। अगर आप ढंग से सो नहीं पाओगे तो सबसे पहली चीज़ आप के साथ आपके नेचर में चेंजेस आएंगे। सेकंड चीज़ होती है दोस्तों, आप बीमार पड़ सकते हैं। तो स्लीप बहुत एक ज़रूरी चीज़ है हमारी लाइफ में। स्लीप में एक बेड का प्लेसमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर बेड ठीक डायरेक्शन में है, ठीक तरीके से लगा हुआ है, तो आप अच्छे से सो पाओगे, अच्छे से स्लीप ले पाओगे। और अगर बेड का प्लेसमेंट आपका गलत है तो यही स्लीप आपकी डिस्टर्ब रहेगी, आप बीमार पड़ सकते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों, बेड की हेड किधर होना चाहिए। सबसे पहली जो प्लेसमेंट मानी गई है वो मानी गई है साउथ की तरफ। अगर आपका हेड होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। सेकंड जो बेस्ट प्लेसमेंट मानी गई है वो मानी गई है ईस्ट डायरेक्शन की। सबसे पहला साउथ डायरेक्शन में आप हेड कर सकते हैं, सेकंड ईस्ट डायरेक्शन में आप हेड कर सकते हैं, और थर्ड और लास्ट पोजीशन होती है दोस्तों वेस्ट साइड अगर आप हेड करते हैं। इन तीनों डायरेक्शन में आप हेड कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। साउथ की तरफ करें, नहीं हो पाए ईस्ट की तरफ करें, और अगर साउथ और ईस्ट दोनों नहीं बन पा रहे तो वेस्ट की तरफ आप अपना हेड कर सकते हैं। इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा अगर आप साउथ की तरफ आप सिर करते हैं तो। नेक्स्ट है दोस्तों, नॉर्थ साइड में हेड कभी भी ना करें। आपका हेड कभी भी नॉर्थ साइड करके आप नहीं सोएं। इसमें आपकी स्लीप डिस्टर्ब ही रहेगी, और नॉर्थ मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक पोल होता है नॉर्थ, वो ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है ब्रेन में, जिससे आपकी स्लीप डिस्टर्ब रह सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, बेड का जो प्लेसमेंट है वो दीवार से लगता हुआ होना चाहिए। बेड का हेड की तरफ जो है वो दीवार से लगी हुई होनी चाहिए। बेड में और दीवार में बीच में स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम 2 से 3 इंच का स्पेस आप छोड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा स्पेस आप नहीं छोड़ेंगे बेड के और दीवार के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, बेड के पीछे जो वॉल है उसमें कभी भी विंडो नहीं होनी चाहिए। बेड के बैक साइड में, साइड में आ सकती है दोस्तों विंडो, दोनों साइडों पे। बहुत बार फ्लैट्स में बहुत बार देखा है कि बेड के दोनों साइडों पे विंडो आ रही होती, वो हो सकती है, बेड के बैक साइड में विंडो नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, बेड के ऊपर जो भी फॉल सीलिंग हुई हुई है, POP वर्क हुआ हुआ है, वो उसमें कोई भी कट ना हो, कोई एजेस ना निकले हो, ना ही कोई बीम होना चाहिए। और अगर बीम आ रहा है आपके बेड के कई बार कॉर्नर पे बीम आ रहा होता है, तो उसमें आप POP वर्क कराइए, और इस तरीके से कराइए कि बेड के ऊपर किसी भी तरीके का कोई कट ना आए। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, बहुत बार हमने देखा है बेड को दो दीवारों से मिला के रख देते हैं, कॉर्नर में, एक बेडरूम के कॉर्नर में बेड रख देते हैं, विच इज़ नॉट गुड एज पर वास्तु। बेड के 3 साइड पे हमेशा स्पेस होना चाहिए चलने का। ऐसा ना हो दोस्तों कि 2 साइड से आप बेड दीवार से लगा दें और 2 साइड स्पेस रहे। बेड में हमेशा सिर्फ बैक साइड ही दीवार से लगाएं, बाकी 3 साइड आप स्पेस छोड़ें। बेडरूम का जो डोर है वो कभी भी बेड के बिल्कुल सामने ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों। बेडरूम में आप जब भी घुसते हैं सामने बेड नहीं दिखना चाहिए आपका, हमेशा डोर से हटके बेड को लगाएं। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, मिरर का। बेडरूम में वैसे तो मिरर होना ही नहीं चाहिए, और अगर किसी भी कारणवश आप मिरर लगा रहे हैं, बेडरूम में मिरर आ रहा है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, बेडरूम में वो जो मिरर आया हुआ है वो बेड को कभी भी रिफ्लेक्ट ना करे। वो मिरर इस तरीके से प्लेस करें आप कि वो बेड को कभी भी रिफ्लेक्ट ना कर पाए। बेड के साइड में आप मिरर लगा सकते हैं, और मिरर हमेशा दोस्तों नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे ही आएगा, मिरर कभी भी साउथ या वेस्ट वॉल पे नहीं लगेगा।
दोस्तों एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें, बेड का जो शेप होती है। आजकल बहुत सारी शेप्स के बेड चल रहे हैं, एक सर्कल बेड भी आ रहा है, एक हाफ सर्कल बेड भी आ रहा है, बट बेड हमेशा स्क्वायर या रेक्टेंगल होना चाहिए। बेड का शेप का बहुत ध्यान रखिए दोस्तों। बहुत बार हम ऐसा देखा है हमने क्लाइंट्स के घरों में, बहुत सारे लोगों के घरों में, कि बेड को अलग अलग शेप्स के बेड वो बनवा लेते हैं और ये काफ़ी नेगेटिव होते हैं, इस पर स्लीप हमेशा आपकी डिस्टर्ब रहती है। तो दोस्तों बेड हमेशा स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, इसके अलावा कोई भी शेप नहीं चलेगी बेड की। और दोस्तों इसमें लास्ट पॉइंट आता है कि बेड हमेशा वुड का बना होना चाहिए आपका। आयरन और स्टील बेड में कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों। बहुत सारे घरों में ऐसे देखने को मिलता है कि आयरन या स्टील का बेड हम यूज़ कर रहे होते हैं लोग, तो उस चीज़ को अवॉइड करें दोस्तों। आयरन और स्टील बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है अगर आप बेड में इस्तेमाल करते हैं। बेड हमेशा वुड का हो, लकड़ी का बना हुआ बेड ही इस्तेमाल करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।